हाँ तो गाइस सबको शब बारात मुबारक हो। तो सबसे पहले बच्चे दियों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शब बारात के दिन हर साल हम दिए जलाते हैं। उसके बाद कब्र पे गई सुहाना अपने नाना और दादा की कब्र पे गई है। सुहाना ने वहाँ पे तिलावत की हर साल की तरह, इस बार भी गए और अब बन रही है बिरयानी। बिरयानी के चावल हुए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, लाइट तो है नहीं, अंधेरे में बनाए। उसके बाद हमने खाना खाया और मगरिब हो चुकी है और दिए जल चुके हैं, सारे दिए जल चुके हैं। और दिए जलाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने घर पे भी होती थी तो वहाँ भी अक्सर जलाया करती थी। अब बच्चे और हम सब रेडी हो चुके हैं, और बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं बच्चे। तो अब बना रहे हैं थोड़ी सी टिकटॉक की वीडियोस, क्योंकि टिकटॉक की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, मेरा सबसे पसंदीदा काम। तो भाई अब बाहर जाने की तैयारी है, तो अब बाहर जाएंगे, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, खाना पीना खाया और बाहर जाएंगे। तो बच्चों सारे बच्चे रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबको पता है यार शब बारात में आज शब बारात है, बड़ा दिन है। और अभी उठे हैं हम सुबह है, तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है और काम इतना सारा है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ खीर और आज रोज़ा भी रखा है बच्चों ने। तो आए देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। मिलते हैं रोजा रखा है, तो उसने सबसे बड़ा रोजा मलिया का तो रोजा रखा है। इन लोग के मुंह देख सकते हैं आप लोग कैसे हुए अभी तक, तो रोजे को 5-6 घंटे पड़े हैं और बच्चों के मुंह बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए हैं। तो मैं अभी ये क्या गंद कर रही हो? तो गंद नहीं मम्मा, आपको सूखने के बाद आपको खुद अच्छे लगेंगे। तो कलर ले लेती इससे बेहतर। तो कलर अब मैं कहाँ से लूँ, अभी सब दुकानें बंद होंगी। और बड़ी रात हो रही है, मैं दिए सजा रही हूँ। ये मुझे कब से काम करती है? रोजा है, रोजा लग रहा है? नहीं, मुँह देख के तो लग रहा है रोजा लग रहा है। मेरा मुँह देख के लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा। मेरा हाथ देखो, मैं यहाँ पे भी सब बिखरा हुआ और किचन में भी बताती हूँ आपको। किचन में मेरा पूरा बिखरा हुआ पड़ा है अभी तक। आप लोग देख सकते हैं प्याज भूनने के लिए रखी है, गैस नहीं है और गैस तो है नहीं, और साथ में ना लाइट भी नहीं है, और सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी है। चिकन धो के रखा है मैंने, चिकन और बिरयानी बना रहे हैं। और चावलों की खीर बनाएंगे। अब चले जी, जब तक मैं काम कर रही हूँ आके बताती हूँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है? बना लिया देखो, बताओ मुझे नहीं बोल रहा। हाँ उसमें वाह मलिया ने बना, पापा मोबाइल देखो सब आ गए। देखा बस जरा सी बात बोलो, दौड़े दौड़े सब आते। मलिया पकड़ मलिया के दियो में, कौन सा था मलिया आपको बताओ? मैंने लगा दो ये वाला मलिया के दियो को हम लोग और खूबसूरत बनाते हैं। मलिया सही एल्फी सारी मेरे हाथ में। तो ये हो रही है बच्चों की बड़ी रात की तैयारी। मलिया का दिया है खूबसूरत सा, गिलू खत्म कर दिया ना आपने वरना आज काम रास्ते।
साइड से ठंड की है ना, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान। और यहाँ पे इतनी रश है क्योंकि आज बड़ी रात है, और यहाँ पे फूल चढ़ाने आए हैं कब्रों पर फूल रखने। तो अब हम जाएंगे पहले मेरी दादा की कब्र पे, फिर मेरे नाना अबू की, फिर आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा। तो पापा, तो ये मेरे दादा अबू की कब्र है और पापा साफ कर रहे हैं। ये देखिए मेरे दादा अबू का, लाओ सुन लो। पानी आज नहीं मिल रहा क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे लोग आए हैं। पानी आ तू खाने जाऊँ बराबर में ही उड़ा लावित तो। हाँ हाँ वांधो ना वटी वटी एक बार वटी। मैं जासिन الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت خارجه بسرعة هل درى من قوتكم مرجئ البسرعة قراتيني ينقلبي إليك البسرع قاسئا وهو حسين لقد ملكت زين السماء الدنيا بما سبيه يا وجعلنا نجوما للشيطان وأعتدنا لهم عذاب السعير وللعزين ما كفروا برعبهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفوت قالوا كما لا يزول من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزاتا هو ألم يأتكم نذير. मेरे नाना मोहम्मद यूनुस, मेरे नानों की कब्र है, नाम क्या है, नाम है ये देखो अभी ताज़ी खबर है, अल्लाह की मतलब सुनना है कोई अभी अभी या कल कल रखना के करें ताज़ी बचाने खबर है। अब हम जा रहे हैं हमारी खाला की खबर पे, यानी मेरी खाला की खबर पे। खाल
लगता दूर है। नहीं ऐसे चढ़ के आना सबर सब। अरे अमरन खाला की कब्र ये देखो मेरे खाला की मेरे पैर में भूल डाल रही है ये कोने में। ये पाकिस्तान मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे गैस नहीं, हम सिलेंडर में बना रहे हैं हम लोग की बिरयानी। और यहाँ पे देखो दिए हम लोग ने पूरे वाले, बाहर कुछ मिल रहा है, बहुत चीज़ मिल रही है लेकिन बहुत रश है, जैसे फ्री में मिल रहा। अभी अभी जस्ट आई है क्योंकि लाइट सुबह से थी नहीं, लाइट 12 बजे आई उसके बाद चली गई। और तो फिर रोजा कैसे खोलोगी? शरबत से खोलूंगी अभी, देखे ये वाली मेरी शरबत है सारी पी जाऊंगी मैं। अब ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे ना बंदे को स्कूल में रोजा नहीं खोलने देता? ये कौन सा इस्लामिक मुल्क नजर आते हैं? सिर्फ नाम का है ये तैयार हो। मैं तो अभी जाऊंगी खाने में मत पे। हाँ सब कुछ लेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से लेट हुआ, क्योंकि लाइट नहीं है और गैस भी नहीं है तो बनाएंगे। मगरिब का टाइम हो चुका है, रोजे का टाइम हो गया और सुहाना बेचारी मासूम बच्ची आज रोजा शरबत से अफ्तार करेगी, क्योंकि लेने के लिए गई थी बट कुछ मिला ही नहीं, इतनी ज्यादा रश है और हमें अंदाजा नहीं था कि गैस नहीं आने। कपड़े भी सब इस्त्री हो चुके हैं, मेरे भी कपड़े अभी इस्त्री हैं। मैं तो खड़े होने जैसे नहीं हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है मैं गोल में घूम रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं जैसे। ये इतना छोटा सिलेंडर है, बिरयानी का पानी उबल ही नहीं रहा, आधे घंटे से रखा है मगर पानी उबल ही नहीं रहा। गैस भी नहीं है, और गैस तो देख लो माशाल्लाह तेज गैस है। अरे जब ये देख सो कोई पकड़ ना, चावल डालूंगी, चावल का वजन होगा, देख सो अगर कितना होगा। रख दूं ना इसमें भाई। अभी अभी लाइट आई और मगरिब तो कब की हो चुकी है, तो भाई गैस लेकिन अभी तक नहीं आया और लाइट आके दोबारा चली गई थी। और खाना देख सकते हैं जैसा तैसा बनाया क्योंकि गैस है ही नहीं, देख सकते हैं बस बिल्कुल गैस नहीं है। और बच्चे रेडी हो चुके हैं खाना। हाय मेरा रोजा था, ऐसी बदुआ लगेगी मेरी मासूम बच्ची ना। कंट्रोल मासूम बच्ची नहीं है ना, बोल बिल्कुल फ्रेल लग रही है बोली। और ये हमने दीपक जला दिए दिए मले, आप खड़ी हो सूट दिखाओ अपना, क्यूट लग रही है माशाल्लाह। मतलब खाना खा रहे थे उसके बाद हम ठीक से वीडियो बनाते, चलो बैठ जाओ पहले हम खाना खाते हैं और जिस जिसको खाना खाना है तो प्लीज खा लो अपने घर में ना। चल ठीक है, चल हाँ भाई सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब बना रहे टिकटॉक की वीडियो दो चार। आज का दिन इतना बुरा गुजरा है ना कि बस बता ही नहीं सकती, बहुत ही बुरा गुजरा है। मलिया चलो अपने अपने सब सही से खड़े रहो, कपड़े दिखाओ, मैंने कपड़े सिए कैसे सिए। मलिया कपड़े दिखाओ, मलिया मलिया टेडी हटा दो, इधर तो नेट नहीं चलता, तो गुस्सा आता है। तो सारे बच्चों के कपड़े मैंने स्टिच किए, सीधा वहाँ खड़ी रहो। चीजा का ब्लेक, सुहाना का ब्लैक और मलिया का, और मैं मलिया सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, और मलिया के पापा का भी ब्लैक है। हाँ सबसे ज्यादा पापा अच्छा लग रहा है। तो फिर ये तो कमेंट्स करके आप लोग बताओगे कि हम सबसे ज्यादा अच्छा कौन लग रहा। खड़े रहो या और भाई दिए जला दिए, तो दिए जलाए तो दियो के साथ एक वीडियो तो बनती है हमारी। ये मैंने सजाया है। अच्छा
ये देखिए मेरा मौसम में आज मैं उठा सब फिर उठाने की मेरा तो हाँ भाई अब थोड़ा सा बाहर जाएंगे थोड़ा सा नहीं हम ना पूरे को पूरे अब बाहर जाएंगे तो थोड़ी देर हम समंदर पे जाएंगे तो इसको आटा वाटा खिलाएंगे उसके बाद अम्मी के यहाँ जाएंगे और उसके बाद घर पे आएंगे तो उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ेंगे वरना तो पहले ही बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन आज जो के बने हट डायलॉग आज जो के ना लाइट ने बहुत ही ज्यादा तंग किया बहुत हद से ज्यादा बस ना पूछो ही मत तो सारा ये घर लिया नहीं फेंकना बाहर फेंक क्या लाइट ने बहुत ही ज्यादा तंग किया तो उस वजह से अभी नहीं हो सकता क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो रहा है ऑलरेडी 8:30 हो रहे हैं तो अब भाई हम टी टाइम चाय पियेंगे और बाहर जाएंगे तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि आज के दिन किस किस के एरिया में लाइट नहीं थी ताकि पता तो चले आज तो लाइट नहीं थी तो वाकई मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कहा कि अब जल्दी से जल्दी मैं तो घर भेज दूंगा घर यहाँ से तो मैंने कहा तो अच्छी बात है मैं तो कब से कह रही हूँ कि हाँ दादी हाँ मुझे कहा कभी आइडिया लाती है ना वहां आती हूँ तो मैं बस यही है ना दो कमरों में ना दिल ना घबराता है जल्दी भेजते तो भाई चले जी अब चाय पीते हैं और बाहर जाते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं तो फिर चले बहुत चले पिक्चर हो ना हमारे।